नमस्कार दोस्तों, मैं उदित फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वीट ट्रीटमेंट की, और मैं स्वीट ट्रीटमेंट कर रहा हूँ किस कंपनी के प्रोडक्ट से कर रहा हूँ वो बताऊँगा आपको। और अभी फ़िलहाल में तो अपन चने का स्वीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये बॉयलर आया हुआ है अपने पास, इससे अपन करेंगे। तो कैसे करते हैं वो मैं पूरी बताऊँगा, तो आप वीडियो कंटिन्यू रखना। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल एग्रो एट उदित फार्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले तो भैया अपन ने वायर का सामान लिया है, वायर का प्रोडक्ट लिया है गाउचो प्लस एवरगोल्ड, दोनों एक एक लीटर है, 10-10 कुंटल के लिए पर्याप्त है दोनों। और हालांकि मार्केट में बहुत सी बीच ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट है, पर इस बार क्या है, बारिश आखिरी तक हुई थी, आखिरी तक होने के कारण क्या है, जमीन में भी आल है, फंगस का पूरा डर रहेगा। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी एवर गोल्ड का और गाउचो का ट्रीटमेंट किया था चने में। ये जैसे आप चने देख सकते हो, ये पूरा ट्रीटमेंट करना है अपने को। तो मेरे चने उमले नहीं थे, और ये बॉयलर है, इससे आप इसको पूरा इससे ही ट्रीटमेंट करना है, तो अपन इसी से ट्रीटमेंट करेंगे। और एक चीज़ और कि भाई मेरा जो कानन स्वीट्स है गुजरात की कंपनी, उसका मेरा गेहूँ भी आ चुका है सुपर 333, ये भी इस बार बोने वाला हूँ मैं। डेमो का है, फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम भी कुछ किसानों को मिला था हमारे एरिया में, पर ये अभी अपने को मिला है स्पेशल। तो अपन इसको भी देखेंगे कि कैसा क्या है और कैसी पैदावार मिली, कैसी लगावट है। तो ये मैंने 40 किलो अपने को मिला है, तो वीडियो कंटिन्यू रखना, मज़ा आएगा। देखते हैं कैसे क्या क्या, कितना ml का पैक बना रहा हूँ मैं, और किस तरीके से डालेंगे, किस तरीके से मिल के बाहर आएगा ना। तो वीडियो कंटिन्यू रखना भाई, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो। सॉरी सबसे पहले तो कि मैं इतने दिनों के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी सोयाबीन कटनी में लगे थे, सोयाबीन कटनी के बाद चने बोने की तैयारी में लगे हुए थे, पूरे खेत कंप्लीट करे, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। आप वीडियो कंटिन्यू रहेंगे तो ठीक है, आप वीडियो कंटिन्यू रखना है ना। कुछ इस तरीके का पैक बनाया अपन ने, ये जो दोनों बॉटल हैं एक एक लीटर की, एक एक लीटर जाएगी आपकी 10 कुंटल में। तो अभी फ़िलहाल में अपन क्या करने वाले हैं कि एक कुंटल में जाएगी 100 ml, ठीक है। तो 100 ml को अपन एक बोरा एक्स में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि छोटा है, तो अपन इसको चार कूड़े मिलाने वाले, चार दुनिया 12 मतलब एक बोरा, तो चार इसके ये दो कुंडे मतलब चार कूड़े, ठीक है। तो अपन ने इसको 60 ml लिया है, ये 60 ml है, 60 ml में मतलब दो कुंडे, ठीक है। और 30 इसको लिया है, 30 इसको लिया, ऐसा करके 60 हो गया, तो 60 ml मतलब कि चार कूड़ा, ठीक है। फिर अपन 60 लेंगे तो कितना हो गया, सॉरी 30 लेंगे तो कित 60 हो गया, फिर एक बार 30 लेंगे तो 90 हो जाएगा, लगभग 90 ml या 100 ml के लगभग एक बोरे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डाल दिया है दोनों कुंडे भर के चने डाल दिए, वो दवाई भी डाल दी है, ठीक है। अब ये चल रही है इसकी प्रक्रिया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये 4-5 मिनट का, फिर देखते हैं अपन की पूरा ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं। अभी की कंडीशन आप देख सकते हो, अपन ने बंद किया है उसको, लगभग 70-80% चना मिल चुका है, और 5 मिनट चलेगा, लाइट चली गई लाइट जाने के कारण बंद हो गया, और 5 मिनट चलेगा ना, 2-3 मिनट तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा ना, एक एक दाना कोट होगा, जैसे आप देख सकते हो, देखो एक दाना कोट हो रहा, महंगी चीज़ है यार दवाई, अगर पूरी ट्रीटमेंट नहीं होगी, कोट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए अपन ने इसको यूज़ किया। किस तरीके का हुआ ट्रीटमेंट, अब आप देखो चने का कोई कलर बता सकता है, ये चना लाल है और ये चना पूरा एवर गोल्ड के कलर में, भाई पूरा एक एक दाना कोट हो गया, एक एक दाना। अगर ऐसा दाना कोट होगा ऐसे तो हाथ से मिलाने से पॉसिबल नहीं है, हाथ भी ख़राब होंगे, सब कुछ होगा, पर ऐसे कोट होंगे ना चने तो कोई कह नहीं सकता कि उमल जाए। तो देख सकते हैं आप कि इस तरीके से पूरी कोटिंग हुई है, पूरे चने में कोटिंग हो चुकी है, मेरे हाथ भी ख़राब हो गए, मतलब चना एक एक चना कोट हो चुका है। पता है सबसे बड़ी बात ये मशीन का क्या फ़ायदा है, इसमें इंसान थकता भी नहीं है, दूसरा ये है कि उसके हाथ पैर गंदे नहीं होते। ये तो मैंने अभी जो लास्ट था
वो बॉयलर से साफ़ करने के लिए दांत गंदा कर लिया, नहीं तो मेरा दांत गंदा ही नहीं होता भाई। चीज़ बहुत शानदार है, मशीन का तो मज़ा आ गया, पर वो मशीन का भी ऐसा है कि अगर आप बायर का ही प्रोडक्ट लोगे तो ही वो यूज़ करने को मिलेगी। जो भी किसान भाई हरदा ज़िले का हो, अगर वो चाहता हो कि यार हमें ये चाहिए मशीन, तो आप कॉल कर सकते हो, मैं नंबर डाल दूँगा सरवन भाई के, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना। अब बात करने वाले हम हमारे गेहूं के, चने के तो हो गए, ये जो जो जे जे 130 थे वो तो नहीं पड़ गए। अब कानन स्वीट्स को और कर लेते हैं 333 को, तो उसकी प्रक्रिया बताता हूँ कैसा क्या उसमें क्या मिलाने वाला हूँ वो भी बताता हूँ, ठीक है। रहा अपना गुजरात कंपनी है कानन स्वीट्स सुपर 333। अब इसको ट्रीटमेंट करने वाला है। गेहूँ तो बड़ा चमक वाला दिख रहा है और बढ़िया दिख रहा है गेहूँ तो। इस बार बोना है इसको, डेमो के लिए मिला है अपने को। चलो अब इसको भी अपन अभी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मैं किससे करने वाला हूँ ये बताता हूँ। तो अपन बायर का रेक्सिल है, आप लोग जानते हो रेक्सिल, रेक्सिल से अपन इसको ट्रीटमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार मैं ना रिक्स नहीं लेना चाह रहा हूँ कोई भी लोकल दवाई से लेके, बायर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो एक पैकेट तो डाल दिया इसके अंदर, एक पैकेट और डाल देता हूँ, चल जाएगी मशीन आराम से ना। कैसे गेहूं का ट्रीटमेंट हुआ, गेहूं भी बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है, पीले से लाल हो गया। चलो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।